हेलो एवरीवन दिस इज श्वेता एंड यू आर वाचिंग श्वेता का अड्डा तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास एट साइंस का एक नया चैप्टर चैप्टर नंबर टेन रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस ओके तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे एडोलेसेंस और प्यूबर्टी के बारे में इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये एक्चुअली है क्या तो चलिए देखते हैं एडोलेसेंस क्या है द पीरियड ऑफ लाइफ वेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी एडोलसंस क्या है हमारी लाइफ का एक ऐसा फेज है जहां पर हमारी बॉडी के अंदर कई सारे चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस की वजह से रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आती है यानी कोई इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल होता है ओके okay? तो इसी फेज को हम क्या कहेंगे एडोलसंस ओके एडोलसेंस क्या है हमारी लाइफ का एक ऐसा पीरियड एक ऐसा फेज जहां पर बॉडी के अंदर कई सारे चेंजेस आते हैं और इन्हीं चेंजेस की वजह से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है तो उस फेज को हम क्या कहेंगे ओके okay? अब ये जो अडोलस है इट बिगिंस अराउंड इलेवन एंड लास्ट टू एटीन और नाइनटीन ऑफ एज इलेवन टू एटीन और नाइनटीन ईयर्स के एज के बीच में ये पीरियड लाई करता है ओके okay? अब ये जो एडोलेसेंस का पीरियड है ये टीन्स के भी पीरियड को कवर करता है टीन्स का जो पीरियड है वो थर्टीन टू एटीन या फिर नाइनटीन ईयर्स के बीच में होता है आप यहीं पर देखिए थर्टीन के पीछे क्या है टीन एटीन और नाइनटीन के पीछे भी क्या है टीन ठीक है यानी इस पीरियड के बीच में जो भी इंडिविजुअल्स आएंगे उन्हें हम कहेंगे टीन ठीक है सेकेंड टर्म इज प्यूबर्टी प्यूबर्टी क्या है प्यूबर्टी भी एक ऐसा टाइम पीरियड है जो एडोलेसेंस के टाइम पीरियड के बीच में कहीं आता है और अब हमें पता कैसे लगेगा कि कोई इंडिविजुअल प्यूबर्टी को रीच कर गया है तो चलिए देखते हैं द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस एडोलेशं के दौरान कई सारे चेंजेस आते हैं दीज चेंजेस मार्क दी ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन्हीं चेंजेस की वजह से प्यूबर्टी की शुरुआत होती है अब कोई इंडिविजुअल प्यूबर्टी को रीच कर गया है ये हमें कैसे पता लगेगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी एक ऐसा चेंज जो प्यूबर्टी को मार्क करता है वो क्या है इज दैट बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो तो रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल हो जाते हैं तो ये एक ऐसा चेंज है जो प्यूबर्टी को मार्क करता है इससे पता लगता है कि हाँ कोई इंडिविजुअल प्यूबर्टी को रीच कर गया है ठीक है आई होप ये सब आपको क्लियर होगा नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंजेस की कौन कौन से चेंजेस आते हैं पहला है इंक्रीज इन हाइट हाइट बढ़ जाती है कैसे बोन्स बोन्स ऑफ द द आर्म्स आर्म्स एंड लेग्स लेग्स और की जो हैं वो लंबी हो जाती हैं जनरली हाइट इज सिमिलर टू पेरेंट्स बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स जो हाइट होती है वो पेरेंट्स के साथ सिमिलर होती है पेरेंट्स के जितनी ही होती है क्यों क्योंकि ये जो हाइट है ये डिपेंड करती है जीन्स के ऊपर और वो जीन्स कहाँ से आते हैं पेरेंट्स सेकेंड चेंज इज चेंज इन बॉडी शेप इन बॉयज द शोल्डर बिकम्स ब्रॉडर एंड द चेस्ट बिकम्स वाइडर बॉयज के अंदर जो शोल्डर हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं चौड़े हो जाते हैं और चेस्ट भी वाइड हो जाती है इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट ब्रॉडन एंड ब्रेस्ट इंक्रीज इन साइज गर्ल्स के अंदर जो वेस्ट के नीचे का रीजन है यानी कमर से नीचे का रीजन ब्रोड हो जाता है चौड़ा हो जाता है और ब्रेस्ट्स का जो साइज है वो भी इंक्रीज कर जाता है नेक्स्ट इज वॉइस चेंज एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लेरिंग्स बिगिनस टू ग्रो प्यूबर्टी पर वॉइस बॉक्स जिसे हम लेरिंग्स भी कहते हैं वो ग्रो करना शुरू कर देता है बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस बॉयज के अंदर जो वॉइस बॉक्सेस का साइज है वो बड़ा होता है द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट बॉयज के अंदर वॉइस बॉक्स जब ग्रो करता है तो वो कैसा दिखाई देता है थ्रोट का कुछ हिस्सा बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देता है जिसे हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं ओके जनरली गर्ल्स गर्ल्स हैव हर हाई वॉइस वॉइस के अंदर जो voice होती है वो हाई पिच्ड होती है तीखी होती है और बॉयज की जो वॉइस है वो डीप होती है गहरी होती है ओके नेक्स्ट चेंज इज इनक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ग्लैंड्स तो अब प्यूबर्टी के दौरान जो स्वेट ग्लैंड हैं और सेबेशियस क्लैंड्स जिन्हें हम ऑयल गलैंड भी कहते हैं इनकी एक्टिविटी इनकी जो सेक्रीशंस हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं तो इन्हीं की वजह से जो यंग पीपल होते हैं उनके फेस पर हमें एक्ने और पिंपल्स देखने को मिलते हैं ओके डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एट प्यूबर्टी प्यूबर्टी पर क्या होता है मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कंप्लीटली तो मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो कम्पलीटली डेवलप हो जाते हैं द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस प्रोड्यूसम्स जो टेस्टिस है वो स्पर्म्स बनाना शुरू कर देती है इन गर्ल्स द ओवरीज एंड लार्ज गर्ल्स के अंदर जो ओवरीज है उनका साइज बढ़ जाता है एंड एग्स बिगिन टू मैचर और जो एग्स हैं वो मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मेच्योर एग्स और जो ओवरीज हैं वो मेच्योर एग्स रिलीज करना शुरू कर देती है ओके okay? नेक्स्ट इज रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मेच्योरिटी ड्यूरिंग प्यूबर्टी बॉयज़ एंड गर्ल्स मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस तो प्यूबर्टी के दौरान क्या होता है जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं मेंटली इमोशनली डेवलप हो जाते हैं दे बिकम मोर इंडिपेंडेंट सेल्फ कॉन्शियस एंड देयर वे ऑफ थिंकिंग चेंजेस वो इनडिपेंडेंट हो जाते हैं और उनका जो सोचने समझने का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं ओके okay? तो एडोलेसेंस के टाइम में माइंड में कई सारी चीज़ें चलती हैं जैसे सही गलत को समझना सेल्फ़ कॉन्शियस हो जाना सेल्फ कॉन्शियस यानी हम अपने लिए और अपने एक्शंस के लिए कॉन्शियस हो जाते हैं अवेयर हो जाते हैं देन इमोशनली बैलेंस होना डिसीजन मेकिंग ओके नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम जानते हैं प्राइमरी सेक्शुअल करेक्टर्स के बारे में प्राइमरी सेक्शुअल करेक्टर्स ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो एट द टाइम ऑफ बर्थ यानी जन्म के समय में बेबी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जैसे अगर हम बेबी बॉय की बात करें तो उसमें प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस पेनिस और अगर हम बेबी गर्ल की बात करें तो उसमें प्रेजेंट होती हैं ओवरीज ओविडक्ट्स वेजाइना ओके अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स के बारे में ऑब्वियसली ये एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबीज के अंदर प्रेजेंट नहीं होते ये विद टाइम डेवलप होते हैं जैसे इन गर्ल्स ब्रेस्ट्स बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी के टाइम पर ब्रेस्ट्स डेवलप होती हैं एंड बॉयज़ बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर बॉयज़ के अंदर फेशियल हेयर्स ग्रो होते हैं जैसे मोस्टैशिज एंड बीयड एज दीज फीचर्स डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल ये जो सारे फीचर्स हैं ये मेल को फीमेल से डिस्टिंग्विश करते हैं तो इन फीचर्स को इन करेक्टर्स को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स ओके आई होप आपको प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर्स के बारे में क्लैरिटी हो गई होगी ओके नेक्स्ट इज हमने पढ़ा था एडोलसन के टाइम पर बहुत सारे चेंजेस होते हैं इन चेंजेस के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है द चेंजेस विच अगर एट अडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स तो उन चेंजेस के पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन्स हार्मोन्स क्या हैं ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो ग्लैंड सिक्रीट करते हैं ग्लैंड क्या है ग्लैंड को हम कहें कि इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स या फिर सिक्रीटिंग ऑर्गन जो हॉर्मोन्स को सिक्रीट करता है ओके okay? ये जो ग्लैंड हैं दो तरह के होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्जोक्राइन ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे क्लैंड्स होते हैं जो अपने सिक्रीशंस को हॉर्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज करते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे क्लैंड होते हैं जो अपने सिक्रीशंस को बॉडी के सर्फिस पर देते हैं वाया डक्ट्स डक्ट्स को हम कह सकते हैं ट्यूब्स ओके ठीक है एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे क्लैंड जो अपने सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दें और एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड जो अपने सिक्रीशंस को बॉडी के सरफेस पर दें वाया डक्ट्स ठीक है दीज आर सेक्रेशंस फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम एडोलेसेंस के टाइम पर जो हार्मोन्स चेंजेस लाते हैं उन हार्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड्स सेक्रेट करते हैं ठीक है द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिंस टू बी रिलीज्ड बाय द टेस्टिस एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी प्यूबर्टी की शुरुआत में जो मेल हार्मोन है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं उसे कौन रिलीज करता है टेस्टिस। वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स गर्ल्स में जब प्यूबर्टी आती है ओवरीज बिगिन टू प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन, जिसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं ओके okay? ये एस्ट्रोजन ब्रेस्ट को डेवलप करता है ठीक है द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स ये जो हार्मोन्स अभी हमने पढ़े टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन इनका जो प्रोडक्शन है ये एक और हार्मोन के कंट्रोल के अंदर होता है और वो हार्मोन एक एंडोक्रइ्लैंड से क्रिएट करता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक है क्लियर नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन इसमें आप देखिए हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टिरोन एंड एस्ट्रोजन अभी हमने पढ़ा ओवरीज कौन सा हार्मोन रिलीज करती हैं एस्ट्रोजन और टेस्टिस टेस्टोस्टिरन ठीक है एस्ट्रोजन बनता है फीमेल्स के अंदर और टेस्टोस्टिर बनता है मेल्स के अंदर ठीक है इन हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन एक और हॉर्मोन के कंट्रोल के अंदर होता है और वो हॉर्मोन कौन रिलीज करता है पिट्यूटरी ठीक है इसके बाद क्या होगा टेस्टोस्टिर और एस्ट्रोजन को ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा और ये ब्लड स्ट्रीम से होते हुए बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचेंगे ठीक है अब जब वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंच गई वहां पर जाकर वो दिखाएंगे अपना कमाल दे चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी प्यूबर्टी की शुरुआत में वो बॉडी के अंदर अलग अलग चेंजेस लाएंगे ठीक है क्लियर तो प्यूबर्टी की शुरुआत को कौन कंट्रोल कर रहा है हॉर्मोन्स ठीक है हमने पढ़ा था प्यूबर्टी पीरियड के अंदर क्या होता है रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी आती है जो इंडिविजुअल है वो रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल हो जाता है ओके क्लियर सो दैट्स ऑल टुडेस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ स्टे हैप्पी एंड टीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल